मैं डॉक्टर अल्पना जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, JTB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। टुडे द टॉपिक इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, ये नाम नागेली एंड क्रैमर ने 1855 में दिया था। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को RBCs से और लीवर सेल से एक्सट्रैक्ट किया गया। RBCs को उन्होंने हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रख दिया और उससे हीमोलिसिस हो जाती है। हीमोलिसिस के बाद जो हमें मिलती है वो कहलाते हैं रेड सेल घोस्ट। इन्हीं के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम थिक, यानी बहुत पतली लेयर है, इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है, यानी कुछ ही पदार्थों को अपने अंदर आने व जाने देती है। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखें तो इसमें लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वाटर पाया जाता है। लिपिड इसमें 28-79% होती हैं। फॉस्फोलिपिड्स होती हैं मेनली लेसिथिन, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, सिफेलिन एंड गैलेक्टोलिपिड्स भी इसमें होती हैं। प्रोटीन 20-70% प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जैसे ATPase, RNAs, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फेटेज। प्रोटीन दो तरह की होती हैं, एक तो होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक यानी बाहर, पेरिफेरल मेम्ब्रेन पर, बाहर की तरफ पाई जाती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं स्पेक्ट्रिन एंड साइटोक्रोम सी। इसी तरीके से इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि फैट लेयर में एम्बेडेड होती हैं, धंसी हुई होती हैं, अंदर की तरफ पाई जाती हैं, इनको इजीली आइसोलेट नहीं किया जा सकता। इनके एग्जाम्पल हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड रोडोप्सिन। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। ओलिगोसैक्राइड्स पाए जाते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट 1-5%, जिसमें कि जो कि मेम्ब्रेन पर बाहर की तरफ लगे रहते हैं। अगर ये लिपिड लेयर से अटैच्ड होते हैं तो इनको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और अगर प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा 20% वाटर होता है इसमें। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कई वर्कर्स ने काम किया। सबसे पहले ओवर्टन ने 1902 में बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की सिंगल लेयर होती है। दूसरा, सेकेंड मॉडल था गॉटर एंड ग्रैंडल्स लिपिड बाई लेयर मॉडल। उन्होंने कहा लिपिड की सिंगल लेयर नहीं होती बल्कि लिपिड की बाई लेयर होती है, दो लेयर्स होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। लिपिड मॉलिक्यूल में एक हेड होता है और एक टेल होती है, दो पोर्शन होते हैं हेड एंड टेल। हेड पोलर एंड है और टेल है। तो लिपिड बाई लेयर में उन्होंने बताया कि लिपिड की दो लेयर्स होती हैं, जिसमें टेल आमने सामने होंगी और दोनों बाहर की तरफ, जो पोलर हेड, थर्ड है लैमेलर मॉडल या सैंडविच मॉडल, जो कि डेनली एंड डेवसन ने दिया था 1935 में। जैसा कि लिपिड बाई लेयर मॉडल में बताया गया था कि मेम्ब्रेन में लिपिड की दो लेयर होती हैं, लेकिन डेनली डेवसन ने सरफेस टेंशन स्टडीज़ के बाद, सरफेस टेंशन स्टडीज़ में क्या किया गया था कि आर्टिफिशियली लिपिड बाई लेयर बनाई गई, और जो नेचुरल मेम्ब्रेन थी और आर्टिफिशियली मेड जो मेम्ब्रेन थी लिपिड की दो लेयर्स, उनके सरफेस टेंशन में अंतर था। जो नेचुरल मेम्ब्रेन थी तो उनकी उनका सरफेस टेंशन कम था, जबकि जो आर्टिफिशियली मेड थी उनका अधिक था। इसका मतलब है कि जो नेचुरल मेम्ब्रेन है उनमें लिपिड के अलावा कुछ और भी है, और वो क्या था, वो था प्रोटीन। तो जैसा कि सैंडविच होता है, एक प्रोटीन, मान लीजिए एक सैंडविच होता है जिसमें दो ब्रेड पीस हैं, दोनों पर
बटर लगाया जाता है और उनको ऐसे आमने सामने लगा करके एक सैंडविच बना दिया जाता है। उसी तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। लिपिड की जो बाई लेयर है ये दिखाई दे रही है आपको, और ये प्रोटीन की लेयर बाहर की तरफ दिखाई दे रही है। यानी जैसे ब्रेड पे बटर लगाया है, दूसरी ब्रेड पे बटर लगाया है और दोनों को आमने सामने से ऐसे सैंडविच बना दिया है, उसी तरीके से ये मॉडल बताया गया है कि लिपिड की लेयर है और उसके बाहर प्रोटीन की लेयर है, फिर एक और लिपिड की लेयर है जिसके बाहर प्रोटीन की लेयर है, और दोनों की जो टेल हैं वो आमने सामने हैं। नेक्स्ट है माइसेलर मॉडल, जो कि हिलर एंड हॉफमैन ने दिया था, 1953 में दिया था। इन्होंने बताया कि जो मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड और प्रोटीन माइसेली की फॉर्म में है। माइसेली क्या है? दे आर स्मॉल सब यूनिट्स। और ये सब यूनिट्स कैसे बनती हैं? लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, छोटी छोटी सब यूनिट्स की फॉर्म में, जिसमें कि उनकी टेल अंदर की तरफ होती है और ये पोलर एंड्स बाहर की तरफ हैं। और इसी तरीके से कई सब यूनिट्स होती हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स की, प्रोटीन की लेयर होती है। तो ये माइसेलर मॉडल में बताया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रॉबर्टसन ने दिया था, उन्होंने बताया कि उसमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स 45 एंगस्ट्रॉम के, लिपिड मॉलिक्यूल्स की जो लेयर है वो 45 एंगस्ट्रॉम है, और उसके बाहर जो प्रोटीन की लेयर है एक तरफ, दोनों तरफ 15-15 एंगस्ट्रॉम की होती हैं। इसके बाद लास्ट है फ्रिड वोजैक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन। तो ये सिंगर निकोलसन ने 1972 में दिया था। इसमें बताया कि जो मेम्ब्रेन्स हैं दे आर इन सेमी फ्लूइड फॉर्म, तरल अर्ध तरल होती हैं और मोजैक की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जो लिपिड और प्रोटीन है वो मोजैक पैटर्न में अरेंज, चितकबरा जैसे फर्श होता है, मोजैक फ्लोर होता है, उसी तरीके से लिपिड और प्रोटीन अरेंज होती हैं। तो ये 3D स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन ये इधर लगी, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तो प्रोटीन इसमें दो तरह की, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक जो कि सरफेस पर लगी हुई हैं, और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि अंदर फैट लेयर में एम्बेडेड हैं। तो दो तरह की प्रोटीन है यहाँ पर, और लिपिड बाई लेयर है, ये फ्लूइड मोजैक मॉडल में बताया गया था। फैट लेयर है वो सेमी फ्लूइड फॉर्म में, ऊपर नीचे इनके मॉलिक्यूल्स आगे पीछे ऐसे मूव करते रहते हैं, फ्लूइडिटी इनकी बनी रहती है हर समय, इसी कारण से मेम्ब्रेन्स जो हैं इलास्टिक होती हैं, और ये डिपेंड करती है इनकी फ्लूइडिटी टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन पर। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इनको ईजिली आइसोलेट भी किया जा सकता है।